बात दी गई कि शायद इसके लिए जिन्ना भी तैयार हो जाए ऐसा उनको लगता है। इसके जवाब में माउंटबेटन ये कहते हैं और भी उपाय हो सकते हैं, इसी यही योजना आखिर नहीं है, और भी उपाय हो सकते हैं, ऐसा कहकर मौलाना का समर्थन उससे उन्होंने अलग किया। वायसराय ने खुद ये कहा, पर्सनली तो मेरे लिए आपने बहुत अट्रैक्टिव सुझाव रखा है, क्योंकि उसने कहा कि आखिरी फैसले जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा, लेकिन मैं और सब लोगों से पूछे बिना इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, और ये प्रस्ताव पास हो इसका किसी भी प्रकार का समर्थन माउंटबेटन ने आगे किसी भी सभा में किया नहीं। तो ये सुझाव पास न होने का प्रमुख कारण यह था कि मुस्लिम की अंग्रेज नौकरशाही इसके समर्थन में नहीं थी। वर्षों तक जिस कांग्रेस के समर्थन से आजादी की लड़ाई होती रही है, उनके खिलाफ की लड़ाई हुई, और वर्षों तक हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है इस बहाने जो हम राज करते रहे, इस सुझाव में शायद एकता के बीज बीतते थे, इसलिए इस सुझाव को मंजूर करना उनको पसंद नहीं था, इसलिए ये सुझाव कि चर्चा आगे हो नहीं सकी। सही सिक्के हो गए विभाजन के, दिल्ली में गांधी थे, उस दिन का रेडियो सुनने के बाद राजकुमारी अमृत कौर ने कहा कि विभाजन के शर्त के ऊपर सही सिक्के हो गए, और आज शाम को उन नेताओं के व्याख्यान होंगे, तब गांधी को इसके बारे में जानकारी मिली, और गांधी ने कहा इसी प्रकार की कुछ चीज पक रही है, एयर मैट्रेस अंदाज था, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी, तुमने बताया इसलिए पता चला कि विभाजन का निर्णय हो गया है, इसकी बात उनको बाद में पता। इतना होने के बाद और उससे पहले और एक चीज में उन्होंने कहा, अगर आपको विभाजन करना है तो इतना कीजिए कि किस प्रकार विभाजन करेंगे इसका निर्णय कांग्रेस और मुस्लिम लीग बैठकर करे, अंग्रेजों की उपस्थिति वहां ना रहे, आपका निर्णय आपस में मिलकर हो, उनकी उपस्थिति में विभाजन का निर्णय ना करवाए, ये उनका आग्रह था। ये विचार किसी ने मान्य नहीं किया। जब ये सिक्के हो गए तब उन्होंने कहा, एआईसीसी के मीटिंग के पहले वर्किंग कमेटी के मीटिंग में कहा और उसके बाद एआईसीसी में भी कहा था, लेकिन पहले ये कहा कि चलो भाई आप लोगों ने ये विभाजन मान्य कर लिया, मैं इसे मान्य नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों ने मान्य कर लिया तो अब तो कहो कि हमने विभाजन मान्य कर लिया है, अब आप तशरीफ ले जाइए, आपके जाने के बाद हम बंटवारा करेंगे, अंग्रेजों की उपस्थिति में बंटवारा नहीं होगा। और इसको कांग्रेस वर्किंग कमिटी में कहा गया कि ये इम्प्रैक्टिकल विचार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि ये इम्प्रैक्टिकल है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल विचार ये होता है कि अगर ये हो नहीं सकता विचार। लेकिन उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में खान, अब्दुल गफार खान और मौलाना आजाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण, ये चार लोग थे जो विभाजन का विरोध करते थे, बाकी किसी ने विभाजन का विरोध नहीं किया था, और बहुत बड़ी संख्या ये विभाजन के पक्ष में थी, गांधी विभाजन के विरुद्ध थे। एक और चीज इसके विषय में कहेंगे, बहुत लंबी चौड़ी है, इतिहास है, और अब तो यह है कि इतिहास है जिसका अब रोना ही रोना है, लेकिन पछतावा हुआ था। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन चुके थे, न्यूयॉर्क की एक सभा में उन्होंने कहा, और उसके बाद एक अमेरिकन से कहा जिन्होंने उसको रिकॉर्ड किया,
ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन शब्द चलता था, एक देश की जनसंख्या को दूसरे देश में भेजना, दूसरे देश की जनसंख्या को इस देश में भेजना, ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की हेराफेरी। ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन से इतना ज्यादा नुकसान होगा ये हमें अंदाज नहीं था। अगर हमें ये अंदाज होता तो शायद हम उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब ये लेकिन बड़ा महत्व का, हम आखिरी जेल में से जब छूट कर निकले यानी अहमदनगर की जेल से, तब हम में से बहुत सारे लोग बीमार थे, बहुत सारे लोग बूढ़े हो गए थे, और हम में से किसी की दूसरी एक लड़ाई लड़ने की तैयारी नहीं थी। इति जवाहरलाल नेहरू। एक मात्र आदमी था जो जवाहरलाल नेहरू से बूढ़ा नहीं था, यद्यपि वो 10-12 साल उम्र में बड़ा था, जो बीमार नहीं था, लेकिन ये जिएगा तो भी बाहर जाकर कुछ काम नहीं कर सकेगा, ऐसी उम्मीद जिनके बारे में चर्चिल को थी। और एक ही आदमी था जो दूसरी एक लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार था यदि ये साथ देते तो, और वो था गांधी, जो इनसे जवान था, जो इनसे स्वास्थ्य में अच्छा था, जो जिनसे ज्यादा जुझारू था, लेकिन इनकी बात मानने के लिए ये पश्चाताप था जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन जिनके आग्रह ही नहीं लेकिन जिनकी मैन्यूवरिंग के कारण ये सारा निर्णय हुआ, उन्होंने एक उपन्यास निकला है फ्रीडम एट मिडनाइट। मुझे बहुत सारे तरुण ऐसे मिले हैं जो उसको इतिहास समझ के पढ़ते हैं, है वो उपन्यास, और उपन्यास लिखने वाले जितने भी सत्य से छूट ले सकते उतनी सारी छूट लेकर वो उपन्यास लिखी गई है। लेकिन उसी उपन्यास के दो लेखकों को इंटरव्यू दिया है आजादी के 13 साल बाद, और उसकी वो जो दूसरी किताब है उस किताब को एक प्रस्तावना में इन लेखकों ने कहा कि जब हमने ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन की बात कही तब माउंटबेटन ने कहा कि हमारे तीन गवर्नरों ने हमें ये अंदाज नहीं किया था। कौन तीन गवर्नर? सिंध के गवर्नर, वायव्य सरहद प्रदेश के गवर्नर और पंजाब के गवर्नर, जो तीनों बूढ़े थे, जिनकी मदद से वहां पर नॉर्थ वेस्ट फेडरल यूनिटेड कांग्रेस की मिनिस्ट्री को गिराकर वहां पर मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री की गई, सिंध में भी वो किया, पंजाब में भी उसमें थोड़ा चाल तो उनका था ही। लेकिन उन तीन गवर्नरों ने मुझे ये अंदाज नहीं दिया था कि इसमें इतनी सारी हिंसा होगी। ये वायसराय साहब कहते हैं, फिर कहते हैं जिन्ना और लियाकत अली खान तो उसके लिए तैयारी थे, पटेल और नेहरू को भी ये था कि विभाजन होगा, थोड़ा कंट्रोल पॉपुलेशन होगा, हम परिस्थिति को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उसकी गंभीरता का अंदाज उनको नहीं था। केवल एक आदमी ने मुझे बार बार इस विषय की चेतावनी दी थी कि और कुछ भी करो लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन का विचार मत करना, लोग जहां रहते हैं उस जमीन से प्यार होता है, जहां लोग रहते हैं अपने पशुओं से प्यार होता है, जो जहां रहते हैं वहां की संस्कृति के साथ उनका जुड़ाव होता है, यहां अगर करोगे तो इससे खून की नदियां बहेगी। एक ही आदमी ने मुझे बार बार इसके लिए चेतावनी दी थी, लेकिन हमने तो उनको दराज पर रखा था, हमने उनकी बात को नहीं माना। और यह कहकर ये लेखक जो फ्रेंच मैन और अमेरिकन है, उन्होंने ये लिखा है कि यह कहकर ये इतना बड़ा फौजी अधिकारी फूक फूक कर रोया।